चेटर्जी त्यो पार्टीको समाजसँग सिद्ध अभिनेत्री पनि हुनुहुन्छ बङ्गला फिल्मको. उहाँको फिल्म एकदम पपुलर छ इन्डियामा, भयङ्कर पपुलर. श्रीमती अल्का अल्काजी को हिजोको भाषण मैले सुने, यति भिजन उहाँको पर्फर्मेन्स देखेर समर्थन गर्यो, ताली बजायो र भने कि समर्थन गर. सोनिया गान्धीको अत्यन्त निकट व्यक्ति हुनुहुन्छ. मैं सबके आप थोड़ा थोड़ा नेपाली से जान मैं क्या बोला आज सब आज हमारा तीन दिन सब. तो ये चीजें मुझे लगता है कि हमें और करीब ला सकती हैं. थोड़ी कोशिश और करने की हम सबको जरूरत है. हमारे लीडर जो सांसद यहाँ पर हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जो सच्चाई, जो उम्मीदें नेपाल का आदमी हिंदुस्तान से कर रहा है, मैं यकीन करती हूँ कि हमारे सांसद इसे सिर्फ भारत तक ही नहीं, भारत के सांसद तक भी आपकी उम्मीदों को जरूर पहुंचाएंगे जो भी हम यहाँ से अपना नजरिया लेकर जाएंगे. और मैं ये भी कहूंगी कि हम लोग हमारे सीनियर लीडर आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति, आपके उपराष्ट्रपति से मिले आते ही, लेकिन उसके बावजूद उसके दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो कल हम आपके जो नेपाल की गरीब जनता है, जो मजदूर और किसान जनता है, कल हम उनसे भी रूबरू हुए हैं. तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऊपर की राजनीति यहाँ से जो है लोगों से बात करके जा रहे हैं. हमने जमीन पे भी देखा कि किस तरीके के विकास की, किस तरह के यहाँ के बच्चों को भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है, और किस तरीके से इन सभी चीजों में भारत विकास के माध्यम से जो है वो नेपाल को मदद कर सकता है. मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर मैं युवा हूँ, भारत से हूँ, और हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर नेपाल में सशक्त होता है तो भारत को खुशी होगी. हम नेपाल को अपना भाई मानते हैं. नेपाल और भारत के बीच में जो शताब्दी पूर्ण संबंध हैं, आपको नेपाल वासियों को लोकतंत्र के रास्ते पर चलने का मौका मिला है, और इसलिए पूरी दुनिया की अपेक्षा है भारत के साथ साथ कि नेपाल में एक मजबूत राजनीतिक तरक्की भी करें. नेपाल के अंदर भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा है, नेपाल की मदद की है. भारत सरकार ने अभी 2000 करोड़ रुपए की मदद नेपाल को दी है, पहले भी देता रहा और भविष्य के अंदर भी जब जब नेपाल को ज़रूरत पड़ेगी भारत सरकार नेपाल के साथ खड़ी है, भारत की जनता नेपाल के साथ खड़ी है. 4 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, बहुत कम समय बाकी है. 27 तारीख तक आपको संविधान बनाना है. मीडिया की भी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी है. हम समझते हैं कि संविधान आपके लोकतंत्र को, आपकी डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा. एक ऐसा संविधान जिसके अंदर आपके देश के हर वर्ग, हर मजहब, हर इलाके के लोगों को ये महसूस हो कि ये हमारा संविधान है. संविधान किसी भी देश का एक ऐसा आईना होता है जिसमें उस देश के लोग अपना चेहरा देख सकते हैं. और 2.5 साल के बाद, 2.5 साल के बाद हम संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करेगा. मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हम सबसे बातचीत करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए, और मेरी तमाम तर शुभकामनाएं. पीपल ऑफ नेपाल विल डिसाइड हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, हु विल नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट. Who will be the Prime Minister of Nepal and who will not be the Prime Minister of Nepal. Nepal is a friendly country to India. We have great respect for Nepal. We have great respect for Nepali people. They are like our brothers. You are our neighbor. We may change our enemies and our friends, but we cannot change our neighbors, our neighboring country. Nepal is not only our neighboring country, it is little more than that. Government of India has always been supporting you. As I said, we have very recently have given 2,000
an aid of 2000 crore rupees to Nepal, several projects regarding generating electricity are still pending. Our people from India, they are coming here and they want to work in Nepal. I assure all of you, India and government of India doesn't intervene into internal matters of any country. Everything will be decided by people of Nepal. Government of India has nothing to do with that. We are there just to help. Any other question? It is not proper on my part. It will be decided by the people of Nepal, by the leaders of Nepal. What kind of constitution you need? What is your concept of federal structure? We also have our federal structure, but I feel there is a lot of difference between federal structure of India and federal structure of Nepal.